नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग IoT, जो कि ओ लेवल का फोर्थ पेपर है, जिसका कोड है M4R5 और पेपर का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस बुक के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और उन चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको मालूमात होना चाहिए। सो गाइस, मैं आपके लिए ही जल्द ही IoT के जो क्लासेस हैं उनको भी कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने आप लोगों को M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5, इन चारों ही पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप वीडियो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किस चैप्टर से अधिकतम कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किस चैप्टर से मैक्सिमम कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ IoT एप्लीकेशंस डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल, यहाँ से अधिकतम 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जबकि थिंग्स एंड कनेक्शंस यहाँ से 10 नंबर के, एंड इसके अलावा सेंसर्स, एक्यूएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, यहाँ से आपके मैक्सिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चन पुट किया जा सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस, कि IoT एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, इनको कैसे बिल्ड करते हैं, यहाँ से आपके अधिकतम 40 मार्क्स के क्वेश्चन पुट किया जा सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, यहाँ से 5 नंबर के, और सॉफ्ट स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ से अधिकतम 20 मार्क्स के क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। जो आपका पेपर है, चाहे वो आपका M1 हो, M2 हो, M3 हो या फिर M4 हो, प्रत्येक पेपर, ईच पेपर 100 मार्क्स का होता है। और जो पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो आपका होता है 40 मार्क्स का, जबकि जो पार्ट बी है वो आपका होता है 60 मार्क्स का। जो पार्ट ए है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। कैसा? ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी MR शीट और आपको उसमें हर क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर हो आपको उसे डार्क करना होगा। जबकि जो पार्ट बी है, जो कि आपका 60 मार्क्स का होता है, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और आपको उस क्वेश्चन का आंसर बाखूबी तरीके से लिखना होगा। उसके लिए आपको एक ब्लैंक कॉपी मिलेगी जिसमें आपको उसका आंसर लिखना होगा। गाइस, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही IoT का जो मॉडल पेपर है, जिससे आपको आंकड़ा लग जाए कि जो पेपर होता है वो किस टाइप का होता है, समझ में आ जाए, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि पेपर में किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए इसके मॉडल पेपर लेके आऊँगा। सो गाइस, आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल, तो इसके अंतर्गत आपको ओवरव्यू ऑफ IoT, कि जो IoT है उसका ओवरव्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस इन IoT इकोसिस्टम, IoT के सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी डिवाइसेस हैं उनकी विशेषताएँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT, वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप IoT इकोसिस्टम, कि जो IoT इकोसिस्टम है उसको बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, IoT के लेवल्स क्या हैं, IoT डिज़ाइन मैथडोलॉजी, द फिजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT, फंक्शनल ब्लॉक ऑफ IoT एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स, डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन IoT। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, देन इसके अलावा आपका सेकेंड चैप्टर है थिंग्स एंड कनेक्शंस, कि जो आपका कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, रियल टाइम सिस्टम में जो फीडबैक लूप हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, AC एटसेट्रा, कनेक्टिविटी मॉडल्स, TCP/IP वर्सेस OSI मॉडल, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस मेथोडोलॉजी, द प्रोसेस फ्लो ऑफ एन IoT एप्लीकेशन। तो ये आपका था सेकेंड चैप्टर। इसके अलावा जो थर्ड चैप्टर है और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेंसर्स, एक्यूएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। अगर हम बात करें सेंसर्स के बारे में, तो सेंसर के अंतर्गत आपको जो भी आपका होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ इन डिजिटल वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल लाइट सेंसर, मॉइस्चर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर एटसेट्रा, ये आपके सेंसर्स के बारे में, जो सेंसर्स, सेंसर क्या होते हैं, सेंसर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। देन इसके अलावा एक्यूएटर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो जो भी आपके सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, उनको मूव कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल DC मोटर,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स, तो ये सब आपको इसमें सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कंट्रोलर में अगर हम बात करें तो रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एज गेटवे टू इंटरफेसिंग सेंसर एंड एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स इन एम्बेडेड इकोसिस्टम। तो ये जो आपके थे सेंसर, एक्चुएटर और कंट्रोलर, ये आपको इन तीनों के बारे में ही, और जो भी इनके बोल सकते हैं कि इनको कैसे डिफाइन करना है, इनको कैसे यूज़ करना है, कितने टाइप के होते हैं, जैसे ये सब आपको इसमें सीखने को मिलेगा। देन आपका आता है फोर्थ चैप्टर, बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन, कि IoT एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड करना है। तो इसके अंदर आपको आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू Arduino IDE, राइटिंग कोड इन स्क्रैच, कंपाइलिंग, डिबगिंग, अपलोडिंग द फाइल टू Arduino बोर्ड, कि जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसे आप लोग Arduino जो बोर्ड होता है उसमें कैसे अपलोड करते हैं, उसको कैसे कंपाइल करते हैं, उसमें डिबगिंग कैसे होती है, ये सब आप इसमें सीखेंगे। इसके अलावा एम्बेडेड सी लैंग्वेज बेसिक्स, इसके अंतर्गत आप लोगों को सी लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, जो कि ओल्ड सिलेबस में थर्ड पेपर था सी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर, बुल्ट इन डेटा टाइप, अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस, कॉन्स्टेंट एंड लिटरल, असाइनमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स, डिसीजन मेकिंग यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंडीशंस, एफ एल्स कंडीशन, ठीक है, लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, इन्फिनाइट लूप, स्विच स्टेटमेंट, तो ये सब आप इस यहाँ पर सीखेंगे। ये भी आपका सी लैंग्वेज का ही पार्ट है। एरेज जो आपका हो गया कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि Arduino IDE में यूज़ करने हैं, प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन, फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप, फंक्शन कॉल, ये सब आप इसमें सीखेंगे। इसके अलावा इंटरफेसिंग सेंसर्स, द वर्किंग ऑफ डिजिटल वर्सेस एनालॉग पिंस इन Arduino प्लेटफॉर्म, कि जो आपका Arduino है उसमें आपकी डिजिटल पिन और एनालॉग पिन कैसे वर्क करती हैं उनके बारे में आप सीखेंगे। LED, बटन, सेंसर्स, चाहे आपका DST हो, LDR हो या फिर MQ135, ठीक है, डिस्प्ले द डेटा ऑन लिक्विड क्रिस्टल LCD, कि जो आपका डेटा होता है उसे आप कैसे LCD पे शो करेंगे, ठीक है, ये सब इसमें सीखेंगे। इसके अलावा आप जो आपका चैप्टर फिफ्थ, इसके अंतर्गत आप सीखेंगे सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, कि जो IoT इकोसिस्टम है इसका फ्यूचर क्या है और इसकी सुरक्षा क्या है, ठीक है। तो नीड ऑफ सिक्योरिटी इन IoT, कि IoT में सिक्योरिटी क्यों आवश्यक है, वाई सिक्योरिटी क्यों, प्राइवेसी फॉर IoT इनेबल्ड डिवाइसेस, कि वो डिवाइसेस जिसमें IoT इनेबल है उसकी प्राइवेसी कैसे रखें, IoT सिक्योरिटी फॉर कंज्यूमर डिवाइसेस लाइक सिक्योरिटी लेवल, प्रोटेक्टिंग IoT डिवाइसेस। देन इसके अलावा जो आपका सिक्स्थ चैप्टर है सॉफ्ट स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंतर्गत आप सीखेंगे डिटरमिनेट्स ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन etc, यानी एटसेट्रा, बिल्डिंग अ पॉजिटिव पर्सनालिटी, ठीक है, गेस्टर्स, तो ये सब इसमें सीखेंगे सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत। गाइज जब मैं आपको यहाँ पर चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सिलेबस का जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक का मतलब क्या है और किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है इसका मतलब क्या होता है। सो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए M1, M2, M3 और M4 की प्लेलिस्ट बना दी है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको हम हर एक पेपर की बारी बारी से एक एक वीडियोस प्रोवाइड कराएँ। सो गाइस, अगर आपके पास कोई क्वेरी रह गई है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप उसे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जो क्वेरीज है उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाइस, मेरे पास अभी इसके ई नोट्स नहीं हैं, जैसे ही तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। सो गाइस, थैंक यू।